हमारे साथ अब अमरावती की कमिश्नर आरती सिंह हैं उनसे हम बात करेंगे मैम ए से बात करने के लिए शुक्रिया आ, ये पूरा जो मामला है ये किस हद मतलब शुरुआत में आपको लगा रॉबरी है उसके बाद ये नुपुर शर्मा का पोस्ट को लेकर बात आई कैसे आप लोगों को तक इन्फॉर्मेशन पहुँची और जाँच को कैसे आगे बढ़ाया देखिए घटना इक्कीस तारीख की रात की है जब ये घटना हुई तो मैं तुरंत अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंची और जैसा आपने अभी बोला ऐसा हमने कभी शुरुआत में शुरुआत से लेके आज तक हमें कभी ये रॉबरी की घटना की तरह इन्वेस्टिगेशन किया ही नहीं हमने आज तक इस एफ में रॉबरी की कलम लगाई ही नहीं है शुरुआत में क्योंकि ये टोटल ब्लाइंड केस था क्योंकि फैमिली मेम्बर्स को किसी भी तरह का थ्रेट या जो डिसीज हैं जिनकी हत्या हुई उनके मोबाइल में ऐसा कोई भी किसी ने थ्रेड कॉल किया है कोई ऐसा व्हाट्सएप कॉल किया ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया इसलिए शुरुआत में टोटल ब्लाइंड केस था और जब भी कोई केस ब्लाइंड केस होता है तो उसके इन्वेस्टिगेशन में पुलिस वर्क्स ऑन सम थियोरीज और थीरी ऑफ एक्सक्लूजन होता है जिसका मतलब कि बाकी थियरीज को हटा के आपको जो एविडेंस uh, के बेस पे जो थियोरी सबसे कॉन्क्रीट लग रही है उस पर वर्कआउट uh, करते हैं तो हमें जो इतना टाइम लगा कंक्लूजन में लाने में वो इसलिए क्योंकि ये ब्लाइंड केस था पूरी तरह से फैमिली किसी को भी सस्पेक्ट नहीं कर रही थी और इसलिए हम आ, बाकी थियोरीज को एक्सक्लूड करते हुए और बिना किसी भी थियोरी के ऊपर बहुत ज़्यादा जैसे कि आपने कहा कि रॉबरी का हमने कि ना तो रॉबरी का सेक्शन लगाया हर थियरी के पे वर्कआउट किया रूल आउट करते हुए जिस तरह से हमने आरोपियों को अरेस्ट किया बाकी जो एविडेंसेस हमें मिले उनके इंटरोगेशन के बाद आज सात आरोपी हमने अरेस्ट किए हैं और आज प्राइम फेसी हमें ऐसा लगता है कि ये नुपुर शर्मा की जो फेवर में जो पोस्ट है वो फॉरवर्ड करने की वजह से ये हत्या हुई मैम इस ये एक हत्या थी क्या ये मास मर्डर की भी कोई प्लानिंग थी क्योंकि कईयों को थ्रेट दिया गया था कि अगर आप माफी नहीं मांगेंगे तो आपका धड़ कलम कर दिया जाएगा आ, मतलब आपको भी जान से मार दिया जाएगा उसके बाद उनसे माफ़ी मांगने वाले वीडियोज़ रिकॉर्ड करवाए गए उनको स्टेटस पर रखवाया गया तो ऐसे में इन विक्टिम्स की प्रोटेक्शन के लिए अमरावती पुलिस क्या करेगी जैसा आपने अभी बताया ऐसे थ्रेट्स थ्रेट कॉल्स जो हैं वो आजू बाजू के हर शहर में थोड़े बहुत हो रहे हैं हमारे यहाँ भी ऐसे तीन केसेस सामने आए हैं उनमें से दो केस में हमने खुद उन्हें अप्रोच किया पर उन्होंने हमारे पास किसी भी स्टेटमेंट देने को मना किया फिर भी हम उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि किसने उनको धमकी दी हाँ उन्होंने माफ़ी के वीडियो बनाए और एक केस में और हमें राइटिंग में उन्होंने दिया है हम उसकी पूरी जांच कर रहे हैं और इसके अलावा भी परसों ही हमने एक बड़ी बैठक यहाँ के जितने व्यापारी हैं ट्रेडर्स हैं उनके साथ ली और उनसे पूछा किसी को कोई थ्रेट है स्पेसिफिक तो ये तीन केसेस के अलावा यहाँ ऐसा कोई भी केस और सामने नहीं आया और इन तीनों केस की इन्होंने ऑफिशियली हमें बताया हो या ना बताया हो हम इन तीनों केसेस की जांच कर रहे हैं कि किन्होंने किसने इन्हें थ्रेट दिया और किसने इनको माफ़ी का वीडियो बनाने को बोला और इसके अलावा हमने जनता से अपील की जब से ये शुरू हुआ है एक टीवी चैनल पे इंटरव्यू के बाद जब से ये सारी चीज़ें शुरू हुई है तब से हमने जनता को बहुत सारी अपील की है किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो तुरंत वो पुलिस पुलिस को इरफान के ऊपर जैसा बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के वक्त उसने कईयों की मदद की अचानक से वो रेडिकलाइज हो जाता है और इतनी बड़ी संगीन हत्या को अंजाम देता है देखिए अभी इन्वेस्टिगेशन हमारा चालू है और अब एन ये इन्वेस्टिगेशन टेक ओवर कर रही है कुछ ही देर में तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हम कुछ बता पाएंगे मैम इनिशियली क्या समझ में आया कि इरफान और बाकी के जो लोग हैं उनके से क्या क्या रिकवर किया है हमने उनके कोई कॉन्वर्सेशन जो बाइक जिस बाइक का इस्तेमाल किया गया था वो बाइक मोबाइल बाकी की चीज़ें जो आप फिनंशियल एंगल की भी जाँच करे थी तो क्या कुछ समझ में आया जिस तरह से आपने कोर्ट में ही बताया था देखिए इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है इसलिए इसको रिवील करना उचित नहीं रहेगा हमारे साथ अमरावती शहर की कमिश्नर थी जो बता रही थी कि हमने जांच बड़ी ही सावधानी से किया है हर एक एंगल से जांच की है ताकि हर एक एंगल को हम स्टेब्लिश कर सकें रही बात जिन जिन लोगों को धमकी गई है उस मामले की भी हम जांच कर रहे हैं कैमरामैन सूरज पांडे के साथ सूरज ओझा एबीपी न्यूज अमरावती